सिंगरौली जिले के जियावन थाना के रेही गांव में रेत माफियाओं ने आसाई प्रदीप सिंह को ट्रैक्टर छुड़ाकर जान से मारने का प्रयास किया। ट्रैक्टर पर लटके आसाई को कई किलोमीटर घसीटा। वहीं पुलिस के मुखबिरों के माध्यम से टास्क फोर्स को मिली सूचना पर आसाई प्रदीप सिंह कुछ पुलिसकर्मियों के साथ रेही में अवैध रेत लाते दो ट्रैक्टरों को रोकने लगे। तभी उनमें से ट्रैक्टर चालक प्रवेश गुर्जर ने ट्रैक्टर दौड़ा दिया। तभी आसाई प्रदीप सिंह उस ट्रैक्टर से लटक गए, लेकिन ट्रैक्टर नहीं रुका और ट्रैक्टर चालक कई किलोमीटर ट्रैक्टर दौड़ाता रहा। गनीमत रही कि एसआई की जान बच गई। वहीं बताया जा रहा है कि एसआई प्रदीप सिंह लंबे समय से जियावन थाने में पदस्थ हैं। आखिर क्यों उनका वर्षों से जियावन थाने से ट्रांसफर नहीं किया गया। उधर इस घटना की सूचना पर पहुंची जियावन थाना पुलिस टीम ने आरोपी प्रवेश गुर्जर, लाला गुर्जर सहित अन्य को गिरफ्तार कर दो ट्रैक्टरों को जब्त कर विवेचना कर रही है। जैसा कि सभी थाना प्रभारियों को निर्देश है कि जिले में कहीं भी जो है रेत का अवैध परिवहन नहीं होना चाहिए, उसी तारतम्य में कल सभी थानों को निर्देशित किया गया था और इसी निर्देश के अनुपालन में जो है जियावन में एम्बुलेंस लगाई गई थी। वहाँ रात व्यतीत हो जाने के ऊपर सुबह के टाइम पे दो लोग जो है जो रेही गांव के रहने वाले हैं उनके द्वारा जो है वहाँ पे ट्रैक्टर में जब रेत भरा जा रहा था तो पुलिस की टीम ने उन्हें पकड़ने का प्रयास किया और एक चालक भाग गया था उसमें और दूसरे चालक ने ट्रैक्टर स्टार्ट करके भागने का प्रयास किया। उसी दौरान जो है पुलिस के एक अधिकारी ने जो है साहस का परिचय देते हुए जो है उसको पकड़ने की कोशिश की, जिसमें वो चोटिल हुए हैं। और इस दौरान जो है ट्रैक्टर चालक ने ट्रैक्टर तेज गति से भगा दिया था और कूद के वो भाग गया था। चूँकि उन्होंने जो है पुलिस की बात नहीं मानी और शासकीय कार्य में इसमें बाधा भी डालने का प्रयास किया, साथ ही जो हमारे अधिकारी थे उनकी जान को भी जोखिम में डाला क्योंकि चलता ट्रैक्टर छोड़ के भाग गए थे तो उनको चोट भी पहुंची है। तो इसमें संबंधित जो आरोपी गण हैं उनके विरुद्ध जो है 353 307 IPC धारा के तहत केस कायम करके शामिल किया।